आ रही है, आप मोमिन हैं? नहीं भाई, खत्म खत्म खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, टाटा टाटा बाय बाय हो गया, और आप ही लोग की वजह से हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का मेरी आंख पहली खोलने बार के जुड़े लिए। हैं या इससे पहले भी जुड़े थे? जी मैं बाय बाय टाटा गुड बाय गया पोस्टेड इमाम के साथ, लेकिन आपके साथ बहुत मुश्किल हो रहा था। यानी जब मैं कोशिश कर रहा था तब स्टूडियो फुल, अभी मैं आया हूँ। पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम ये चैनल पे जुड़े जी, ना? जी 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 हाँ। नमाज़े पढ़ते थे आप? जी मैं एक साल से, अभी मेरी उम्र 30 साल है, तो आप तो जानते हैं मुसलमानों में प्रॉपर नमाज कोई नहीं पढ़ पाता है जल्दी, तो कभी नमाज पढ़ते थे कभी छोड़ते थे। लेकिन मैं एक साल से, अभी 2023 से एक साल से कंटिन्यू पढ़ रहा था। लेकिन साहिल भाई प्रॉब्लम क्या है ना, मैं ये मानता हूँ अब कि मैं अपने टीनेजर से ही ना एक्स मुस्लिम था, मुझे अब लगता है ऐसा, क्योंकि ना मेरे को ना यकीन बैठ नहीं पाता था किसी चीज का, लेकिन वो इतना प्रेशर और इतना बिलीफ था कि उस चीज को नजरअंदाज कर देता था हमेशा हमेशा कुछ भी सुना। एक साल पहले नमाजें पढ़ते थे? हाँ हाँ, एक साल तक कंटिन्यू पढ़ा। ओके, तो मैं बता रहा हूँ, याद है जी आयतुल कुर्सी याद है आपको? नहीं याद है, मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको अपने प्रूफ के लिए कुल अल्लाह वहद अल्लाह समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन इन्ना तैन कल कौसर मैं सुना सकता हूँ ये सब। सुनाइए तो साहिल भाई क्या है ना, सुनाइए, तो प्रॉब्लम क्या है, इन्ना तैन कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर लौज रब्बिल नास मालिकिन नास लहिम नास मिन शर्रिल वसवासिस खन्नास अल्लज़ी युवस्वसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। और सुनाओ, वजू में कितनी रकात होती है? वजू में, हाँ वजू में रिकात, हाँ वजू में रिकात कहाँ से आ गए साहिल साहब? ओके थैंक यू। अच्छा ये हमारे जो छोटे गिरगिट है, मेरे को कुछ लोगों ने क्लिप भेजा था छोटे गिरगिट की, और देख के छोटे गिरगिट को हंसी आ जाती है। तो इन लोग ने एक नया शोशा छोड़ा है, नया शोशा ये छोड़ा है कि कोई मोमिन जाता है यानी जो एक्स मुस्लिम हो जाता है, तो वो उसको इस तरीके का सवाल करते हैं। फिर मोमिन हजरात भी वो कमेंट इवेंट में सवाल करते हैं कि भाई वजू में कितनी रकात। तो जाहिर सी बात है कि वजू जो है उसमें फराइज होते हैं ना, वजू के कितने फराइज है ये होते हैं। हाँ, तो अब वो जो जाता है बेचारा वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कुछ बोल देता है तो कहते हैं कि देखो यार ये तो एक्स मुस्लिम था ही नहीं, ये फेक बन के आते। भाई हम तो यहाँ पे, वो तुम्हारे पास तुम खुद बिठाते रहोगे ऐसे लोगों को ला के ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास पे झूठे एक्स मुस्लिम आते। यहाँ पे तो हम बाकायदा टेस्ट लेते हैं, और बल्कि वो मुसलमान जो के पैदा हुआ है मुसलमान घराने में और तुम खुद भी उसको मुसलमान ही समझते हो, लेकिन उनको कुछ आता जाता नहीं क्योंकि वो नमाज भी नहीं पढ़ते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुरान भी सही से पढ़ने नहीं आता है, तो हम तो उनको मौका भी नहीं देते। हम तो कहते हैं कि भाई तुम प्रॉपरली मुसलमान थे ही नहीं तो तुम्हारा इधर काम ही नहीं है, तुम काफी जाओ। तो हम तो यहाँ पे इस तरीके से टेस्ट लेते हैं छोटे गिरगिट। तो इस तरीके से आप अगर बदनाम करने की कोशिश करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एटलीस्ट आप हमारे लिए ये चीज नहीं कह सकते हो क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट लेते। अच्छा, छोटे गिरगिट को शायद ये नहीं मालूम होगा कि वजू करते वक्त तो कोई नमाज रकात नहीं होती, लेकिन अगर तेरे सवाल का अगर मैं ये भी जवाब दूं कि दो रकात है तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको शायद ये मालूम हो या नहीं मालूम हो, इस्लाम आता जाता हो या नहीं आता जाता हो, आपको पता होना चाहिए कि एक होती है तहियतुल वजू। तहियतुल वजू क्या है? तहियतुल वजू ये है कि आप जब वजू करते हैं तो आप उसके बाद दो रकात नमाज पढ़ते हैं। तो अगर कोई दो रकात कह भी दे तो वो कोई गलत नहीं है, तहियतुल वजू होता है, वजू के बाद आप दो रकात पढ़ते हो उसको तहियतुल वजू कहते हैं। उसी तरीके से तहियतुल मस्जिद भी होता है,
जिसमें आप अगर मस्जिद में जाते हो तो पहले दो रकात नमाज पढ़ते हो, तो छोटे गिरगिट थोड़ा इस्लाम को अच्छे तरीके से सीखो। श्रीकांत भाई कह रहे हैं प्लीज रिप्लाई टू मी, यू एंड नन ऑफ यू शुड हैव टू वरी अबाउट फाइनेंसेस इन फ्यूचर, आई विल टेक केयर। श्रीकांत भाई शायद आप वही है जिन्होंने यार मेरा बैंक अकाउंट मांगा था, मुझे पता नहीं, याद नहीं है। अगर ऐसा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि मैं आपको वहां पे जो भी डिटेल्स आपको चाहिए मैं वहां पे शेयर कर सकूं। जी फैसल भाई आप टेस्ट तो पास हो गए, और जो मोमिन हजरत है बाकिर गिलकर, जरा अपने माइक और कैमरे की परमिशन जरा दे दे ताकि आपको हम ले सके। चलिए ड्रॉप हो गए। और मिस्टर खास साहब आप भी अगर मोमिन है तो जरा, चलिए आपने परमिशन दे दी है मैं भी आपको लेता हूँ। अरे आफरीन जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ रही है, पहली फुर्सत में छोड़ दो स्टूडियो, नॉन मोमिन हो यार, पब्लिक को चैट में पूछ लो नॉन मोमिन स्ट्रीम कब है। अच्छा यार नॉन मोमिन स्ट्रीम है ये पूछने के लिए तुम अपना स्ट्रीम में जुड़ रहे हो, यार क्या अजीब बात है। हाँ फैसल भाई तो यानी क्या हुआ ऐसा कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, मेजर पॉइंट्स बताइए। तो साहिल भाई मैं बता रहा हूँ ना, मेरे अंदर ना शक का कीड़ा ना शुरू से था, जब मैं टीनेजर में भी था तो इस्लाम की बहुत सारी बातें सुनता था तो हजम करना मुश्किल होता था, लेकिन आप तो जानते हैं ना अगर आपका माहौल ऐसा हो इस्लामिक हो, हालांकि मेरे घर का माहौल बहुत ज्यादा इस्लामिक नहीं था, लेकिन तब भी दोस्त यार जिस एरिया में रहना वहां पर ही जलसे जुलूस होना तो उसका इम्पैक्ट पड़ते रहा, तो ये चीज मेरे ऊपर हावी नहीं हुआ कभी भी जो मेरे अंदर ये सब जो इस्लाम को लेकर गलत फहमी आती थी। तो मैंने डिस्कस की इसके बारे में अपने दोस्त से जो बहुत ज्यादा रिलीजियस था, तो बोला देखो ये आम बात है, अगर एक मोमिन के अंदर ये सब ख्याल आ रहा है ना तो और परेशान हो रहा है तो अलामत है अच्छे ईमान की। तो वहां से तो मैं मोटिवेट हो गया, मैं बोला चलो अच्छी बात है। मैंने बोला कि कंफर्म है कि ऐसा होता है? बोले हाँ, जिसको आता है अगर वो परेशान हो रहा है यानी वो खौफ कर रहा है कि चलो भाई मेरा दिन कहीं मेरा ईमान खराब तो नहीं हो रहा ना इससे, तुमको अगर परेशानी हो रहा है तो इसका मतलब अच्छी बात है, तो वहां से मैं रिलैक्स हो गया। लेकिन साहिल भाई वही बात है ना, आप तो रिलैक्स हो जाओगे लेकिन जो इनलॉजिकल बात है उसको कैसे आप हजम कर पाओगे। सही बात, तो क्या बातें इनलॉजिकल लगी आपको? तो हुआ क्या मैं बता रहा हूँ, तो मैं ना देखिये जाकिर नायक को सब आइडल मांगते हैं इंडिया में, इवन पाकिस्तान में सब जगह बहुत से लोग मानते हैं। हाँ मेरे मेरा उल्टा केस है, मैं जब जाकिर नायक को सुनने लगा ना तो वो एक मुस्लिम का सबसे बड़ा बीच उसी के पास से ही मेरे अंदर आया। अरे वाह, सुनने वाले बहुत परेशान होंगे कि कैसे भाई जाकिर नायक का क्या बात था, तो मेरे को ये नहीं पता था पहले कि कुरान में या हदीस में या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें की है ये और कहीं मेंशन नहीं है, ये मुझे पता नहीं था। टू बी ऑनेस्ट मुझे को लगता था कि ये सब पूरा यूनिक है, मतलब इस्लाम में ये सब चीज यूनिक है, इस्लाम के अलावा और कोई नहीं बात करते इसके बारे में। लेकिन जाकिर नायक का अगर आपने देखा होगा तो वो रिलीजन कंपैरिजन के ऊपर बहुत वीडियो बनाया है, याद है ना आपको साहिल भाई? हाँ, वो बताता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अलग मजाहब में, बाइबल में, तोरा में, तो ये सब बताता था वो कि कुरान में जैसे आप यहूद का मैं बता रहा हूँ, यहूदी का, कि यहूदी भी रोजा रखते हैं नमाज पढ़ते हैं, तो मैं सोचने लगा अरे यार ये कैसा बात हुआ। अरे भाई तुम यहूदी की बात करते हो, यहूदियों से तो रसूलुल्लाह ने बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट की है। मुझे नहीं पता था ना, मैं वही बता रहा हूँ, ये चीज मुझे नहीं पता था प्यारे भाई। तो मैं एक मिनट रुको, मैं एक सिर्फ इसमें पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा नालायक है जाकिर नालायक कि यहूदी का बोलता तो भी थोड़ा बहुत समझ में आता, इसने तो सनातन में भी नमाज को साबित करने की कोशिश की है। बोले सनातन में किताबों से वो अष्टांग, मेरे ख्याल से अष्टांग कहते हैं उसको, आठ अंगों को ये करना टेकना, तो बोले ये तो मुसलमानों वाला सजदा है। तो ये इतना बड़ा नालायक है और इतना गिरा हुआ इंसान है कि बातों को यहाँ वहां ट्विस्ट करके ये लोग किसी को भी, यानी दूध को दही बना दे, दही को खीर बना दे, खीर को चीर बना दे, इनका कुछ भरोसा नहीं। साष्टांग, अच्छा अष्टांग नहीं साष्टांग, ओके जो भी है, लेकिन वो इस तरीके की, इस तरीके का हरामीपन उसने कई बार किया हुआ है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जी भाई हाँ, फिर क्या हुआ?
तो फिर क्या हुआ, तो ये तो शायर भाई मुझे पता नहीं थी, तो मैं बहुत हैरान हुआ, बोला अल्लाह ऐसा कैसे कर रहा है। अगर मान लो यहूदी 2 रिकात नमाज पढ़ते हैं और रोजा रखते हैं, ठीक है, तो अगर अल्लाह उसको ही समझाए ये चीज तो ज्यादा आसानी होगा ना एज कम्पेयर टू मुस्लिम, कि भाई तुम अब हाँ 2 रिकात नमाज मत पढ़ो, 5 पढ़ो, तुम रोजा ऐसे हाँ मत रखो, ऐसे रखो, तो ये तो ज्यादा ईजी होगा ना कि एक सही नया दीन को आप पूरा का पूरा इस्टेब्लिश करना। मतलब ये कैसा है यार, ये समझ के बाहर है एकदम। उसके बाद उसकी मेरा वजह है ना स्टार्टिंग भाई, ये, उसकी वजह ये है। ये वजह जानने के लिए आपको हमारी पहले वाली स्ट्रीम देखना पड़ेगा, और उसमें हमने बताया था, अल्लाह खुद कहता है कि वो जिन आयतों को बदलना चाहता है यानी मनसूख करना चाहता है या भुला देता है वो, तो उससे बेहतर या उस जैसी आयतों को वो फिर लेके आता है। तो इससे साबित होता है कि उसके जो अहकाम है जिसको उसने भुला दिया या मनसूख कर दिया, तो वो परफेक्ट नहीं थे। इस वजह से उसको नए नए अहकाम देने पड़े, पुराने अहकामों को रोकना पड़ा। तो इससे साबित होता है, ये बात तो हमने साबित की, उसकी वजह ये है जो आपका सवाल है। तो ये इम्परफेक्ट खुदा है जो इस्लाम वाला खुदा है। जी जी। और दूसरी बात क्या है ना साहिल साहब, कि देखो मैं सच बताता हूँ, मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था कि मैंने हदीस को लिया। मैंने क्या कर रखा था ना, एक बड़े बड़े उलमा को फॉलो कर लिया था और उनका ही क्लिप देखकर। अब देखिए एक चीज को अगर 10 उलमा बता रहे तो ये समझ में आ जाता है ना कि भाई ये सही बात है, तभी तो सारे उलमा इतने ये बात करते। ऐसे ऐसे करके मैंने हदीसें सीखी। तो मैं जब हदीस सुनता था तो मेरे को लगता था कि यार क्या हो रहा है, इस्लाम में लालच और डर का इतना अच्छा पैटर्न सेट किया हुआ है ना, जो कोई भी रिलीजन उसको बिट नहीं कर सकता। ये बात आप मानते हैं ना साहिब साहब, क्या कहने, डर बड़ा जबरदस्त। डर और लालच का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन। देखिए कैसे, आप सुनते होंगे कि तारिक जमील को उठा लेते हैं, तारिक जमील साहब को, वो उनके पास तो ऐसा वजीफा है कि आपको लगने लगेगा कि इस्लाम से मीठा कोई मजहब ही नहीं। अगर आप तारिक जमील साहब को सुनेंगे तो उससे ज्यादा मेरे को फैब्रिकेटेड इंसान ही नहीं लगता है। अभी मैंने हाल ही में उसका एक शो देखा था पाकिस्तान में, वो लाइव शो कर रहा था जहां पर वो आखिरत के बारे में बता रहा था और पूरा एक्टिंग करके बता रहा है, मतलब कैसे गिर जाएगा वो गिर जाएगा। उसके बाद मैंने आपके स्ट्रीम में किसी से सुना था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, जिसने ये पूरे हदीस से साबित किया था कैसे पैदा हुए। और इसका जब मैं सुन रहा था तारिक जमील साहब का, ये क्या बताते हैं आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। ये बोल रहे थे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो दोनों हाथ को करवट लिया पहले। अब सबके हाँ साइंस के खिलाफ बात है कि कोई भी न्यू बॉर्न चाइल्ड करवट तो ले ही नहीं सकता, सबसे पहली बात है। पहले करवट लिया, उसके बाद दोनों हाथ को सजदा में रखा और उसके हाँ बाद पूरा झुक गया, यानी जैसे नमाज पढ़ा जाता है। हुजूर हाँ सल्लम पैदा होते ही संग नमाज पढ़ने लगे। ये साबित क्या है, हाँ साबित क्या, वो तो रेफरेंस देता नहीं है तारिक जमील साहब, आपको पता ही होगा वो सारा हाँ बात ऐसे ही करता हो, कभी जिंदगी में रेफरेंस नहीं देता। तो मैं, ये तो क्लियर हो गया था क्योंकि मैंने आप लोगों का स्ट्रीम में सुन चुका था ये चीज कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कैसी। और ऐसा भी नहीं है कि सुना था तो सिर्फ आप लोगों ने मुंह से बोला था, रेफरेंस के साथ दिखाया था हदीस का, और मैं वो नोट भी करता हूँ, जो भी हदीस आप लोग में डिस्कस होता है सब चीज मैं नोट करता हूँ। तो ये ओके तो तारिक जमील साहब का हो गया। उसके बाद मैं ऐसे दीन को सीखा स्क्रॉल करके, वो वीडियो देखकर, वो मौलाना को देखकर, जाकिर नायक को देखकर, तो मेरे को मोटा मोटी अच्छा खासा इंफॉर्मेशन हो गया। ऐसा हो गया था कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ एटलीस्ट। उसके बाद भाई अचानक से क्या हुआ ना, जब मैं नमाज पढ़ता था ना, तो मैं 1 साल से नमाज पढ़ रहा था, अभी रिसेंटली अभी मैंने छोड़ा है, 1 महीने हो गया उनको छोड़ते हुए, यानी दिन को भी छोड़ा और नमाज को भी छोड़ा। तो एक साल मेरे पहले दिल आपने में नमाज पढ़ी थी ना, अभी नहीं, स्टार्टिंग में एक आपने। साल तक नहीं, 1 साल तक पढ़ा और 1 महीने हाँ पहले, यानी 1 महीने पहले 1 साल हुआ पूरा, ये बोला मैंने। अच्छा ओके तो मैंने जब नमाज छोड़ दिया तो मेरे को ना अपने आप में तसल्ली के लिए ना एक एक ख्याल आया मेरे दिल में कि हाँ मैं देखूं तो कि कुरान में कुछ एरर है कि नहीं। तो मैंने जस्ट लिखा हाँ कि यूट्यूब में एरर इन कुरान, मैंने अपने ओके तसल्ली के लिए कि मैंने छोड़ दिया नमाज, मेरे को कुछ लग रहा है ऐसा, तो मैं देखूं क्या दीन में कुछ गड़बड़ है क्या। तो मैंने जस्ट हाँ यूट्यूब में लिखा एरर इन कुरान, तो मेरे पास जफर हैट्रिक का वीडियो आ गया। तो ओके भाई आपको तो पता है जफर हेरेटिक क्या चीज है, वो तो पूरा मोनोलॉग बना के रखे सारा चीज। तो उसका एक वीडियो देखा मैं, बहुत मैंने क्या बोलूँ आपको, तो पता ही होगा जो मुस्लिम रह चुके हैं अगर उसको अचानक से दीन की सच्चाई पता चल जाए तो उसको क्या हाल होगा, आप ये चीज जी अच्छे से समझ सकते हैं साहिल सर।
तो मेरे को बहुत बुरा लगा, टू बी ऑनेस्ट। उस टाइम मेरे को अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने हाँ डायरेक्ट वो वाला हदीस देख लिया था उनका, जहां पर वो बोल रहे हैं ना कि जब वही आती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो एक बंदा नोट करता था, और वो हाँ बंदा बोलता था, या या रसूलुल्लाह, अगर इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखे तो कैसा रहेगा? बोले हाँ लिख लो बढ़िया रहेगा। तो बोला यार ये कितना गड़बड़ वाला चीज है यार, ये तो बंदा गुमराह कर रहा है। जबर हेरेटिक के बारे में मैंने सोचा। तो फिर आपको मालूम है ना, यूट्यूब में हर चीज का उपाय है। अगर कोई बंदा कुछ गलत बोल रहा तो उसको भी एक्सपोज करने के लिए कोई आदमी है। तो एक हाँ पाकिस्तानी लड़का मिला जो उसको एक्सपोज कर रहा था, जफर हाँ हेरेटिक। तो वो बंदा का जब मैं सुना, मेरे को एकदम दम नहीं लगा। बोले यार क्या ये एक्सपोज किया है, हर चीज को बोल हाँ रहा है अपने हिसाब से, कोई लॉजिक नहीं दे रहा। मैंने छोड़ दिया, मैंने स्टॉप हो गया। उसके बाद मुझे आपका स्ट्रीम मिला, एक मुस्लिम साहिल। मैं ओके आपका स्ट्रीम कहाँ से स्टार्ट किया देखना, जो आप जयपुर डायलॉग वाले के साथ इंटरव्यू कर रहे थे ना, जी जी और जिसमें आपने ओम वाला अजान दिया था, वहां पे मैंने आपको स्टार्ट किया देखना। तो अच्छा मैंने भाई सच बोलूं, स्टार्टिंग जो जर्नी हुआ ना आपके बातों से हुआ। मैं आपको सराह नहीं रहा हूँ, मैं अपना एक फीलिंग बता रहा हूँ। स्टार्टिंग जो मेरा जर्नी हुआ, जब मैंने आपकी ओके बात सुनी, तो आपने सारा कुछ बताया कि मैं ऐसे काम करता था, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी, तबलीग भी करता था। और जब आपका करात उरात सुना, तो मेरे को लग गया भाई आप पक्के मोमिन थे, यानी हाँ दावत देने वाले मोमिन थे। और फिर आपने थोड़ी देर बाद ये बात मेरे दिल में आया, और आपने थोड़ी देर बाद बता भी दिया कि मैं दावत भी देता था, तो मेरे को एकदम पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया आपको देखना। अब ऐसा नहीं है, कोई भी ओके मुस्लिम के दिल में अगर कोई शक पैदा हो, तो वो जरूरी नहीं है कि उसी टाइम वो निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है ना कि मैंने देखा, मैंने मान लिया कि इस्लाम गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है एक मोमिन के लिए। उसको अगर आप वीडियो भी दिखा देंगे ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत का, कि उन्होंने क्या किया, तब भी वो नहीं मानेंगे, कि हाँ वो टाइम लेगा ही लेगा अपने आप को सेटिस्फाई करने के। तो मेरा साथ भी यही हाँ हुआ, मैंने आपका वीडियो ओके देखा, आपका स्ट्रीम देखा, बहुत शक पैदा हुआ, तब भी ईमान का जो पावर था हावी हो रहा था उसके ऊपर, कि नहीं, क्योंकि हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब चीज सेट करके रखा है, इस्लाम में हाँ सब सेट करके रखा है। वो ये भी बता दिया है कि देखो एक दौर ऐसा आएगा कि मेरे खिलाफ होंगे लोग, गलत बोलेंगे इस्लाम को, तब तैयार रहना है तुमको। तो ये हाँ सब चीज मेरे को रोक लेती थी, आप समझ रहे हैं ना। कह रहे यार इस्लाम में तो बोल दिया गया कि इस्लाम को बदनाम करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, आपको साबित कदम रहना है। मतलब हो हाँ सकता है ऐसा हो कि कोई बहका रहा है, ये कर रहा है, हम साबित कदम रहेंगे। लेकिन बस वही बात है कि लॉजिक अगर नहीं रहा किसी चीज में, तो आप जितना भी कर लो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और जो भी थोड़ा हाँ दिमाग से सोचता है उसके दिमाग में खलबली मचा रहेगा। उसके बाद 6 साल वाली आयत रही है, आयशा का 6 साल में जो निकाह हुआ था, वो वाला बात तो मैं बहुत पहले सुन चुका था। लेकिन मेरे को ना उसमें क्या है साहिल भाई, मैं सही बता रहा हूँ, वो मेरे को ना बहुत ये लगता है कि अरे यार वो लोग कबायली लोग थे, अरब के लोग थे, अगर कर भी दिया तो क्या हर्ज, क्या लेना हाँ देना उससे। उसके बाद ना मेरे को एक नया हदीस मिला, क्योंकि मौलाना लोग को दिखता था तो वो सब तो हदीस बताएंगे नहीं, अपनी बहू से शादी करने का ये जो पॉइंट था खत्म, यहीं से, यहाँ से समझिए कि एकदम खत्म वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया। मैंने बोला क्या एक बात बंदा अपने एक बच्चा को, बच्चा था पाल रहा है, बेटा बोल रहा है उसको, उसके बाद उसका शादी भी वही कराया होगा डेफिनेटली जैनब से, चलो हाँ भाई तुम शादी कर लो। उसके बाद क्या हो रहा है कि उसको दिल आ गया उसके ऊपर, तो उसका उसको निकाह उससे कर ले रहा है, और अल्लाह भी संग संग आयत उतार रहा है कि तुम पर किसी का जिम्मेदारी नहीं है, ना तुम किसी के बाप नहीं हो, और कोई भी मुंह बोला रिश्ता नहीं होता। मतलब यार ये तो गेम है एक तरह से, मतलब अगर इनको जो चीज पसंद आ जा रहा है तो वहां पर ये आयत भी आ जाता है, इसके हक पे आ जाता है। कहीं पर ये ऐसा नहीं होता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि देखो मैं ये चाह रहा था, लेकिन अल्लाह ने बोला कि नहीं मोहम्मद ये चीज गलत है मत करो, कहीं नहीं मिलेगा, सही ऐसा है ही नहीं। उसके बाद नहीं, भाई एक मैं मिसाल देता हूं और उसके बाद फिर हम दूसरे कॉलर की तरफ भी बढ़ेंगे। फैसल भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप इस गंदगी से बाहर निकले, आपको समझ में आई, आपने अपना जहन दौड़ाया और दिमागी अपंगता से आप बाहर आए। एक चीज में अल्लाह ने रोका है, डांटी दिया है, मतलब डांट के बराबर ही है, वो ये था। अच्छा, उसमें भी असल में फायदा रसूलुल्लाह का ही था, तो वो स्ट्रीम भी गालिबन हाँ मैंने कर दिया है ऑलरेडी, अभी थोड़े दिन पहले ही की थी। एक जगह पे अल्लाह ने सिर्फ रसूलुल्लाह को ये डांटा है और मना किया है,
वो ये था कि रसूलुल्लाह ने अपने ऊपर सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 की आयत नंबर 1 है उसमें अल्लाह फरमाता है कि ए नबी आप उस चीज को अपने ऊपर कैसे हराम कर सकते हो जिसको अल्लाह ने आपके ऊपर हलाल किया है। अब इसकी अगर आप तफसीर देखें इस आयत की, इसका शान नुजूल देखें, तो दो चीज मिलती है। एक चीज तो मिलती है शहद के बारे में कि बीवियों ने प्लान बनाया कि हम कहेंगे कि शहद पी के आए हो, उसमें मगाफिर है या मगाफिर की बदबू आ रही है। एक वाकया ये मिलता है जो कि सेंस नहीं बनाता, क्योंकि एक शहद को शहद के वजह से अल्लाह के रसूल जो है वो बीवियों से नाराज हो जा रहे, एक एक महीने तक उनके पास नहीं जा रहे, अल्लाह कुरान से आयत नाजिल कर दे रहा है और फिर उसमें आयत में ये भी कह रहा है कि तुम अपनी बीवियों को खुश करने के लिए तुम इस तरीके के काम कर रहे हो और वो बीवी अगर सुधरे नहीं तो उसके खिलाफ अल्लाह है, फरिश्ते हैं, मलाइका है, नेक मोमिन हजरात है। तो ये शहद वाला मामला जो है वहां पे फिट लॉजिकली अगर आप देखें तो फिट नहीं होता है। दूसरा मामला क्या है? दूसरा मामला ये है कि वहां पे और एक चीज मिलती है तफसीर में भी और सुनन नसाई की एक हदीस भी है जहां पे अल्लाह के रसूल ने मारिया किप्तिया के साथ वो सेकस फरमा रहे थे, हम बिस्त्री फरमा रहे थे, डिंगी डिंगी मुबारक फरमा रहे थे, तो वो भी दूसरी बीवी के घर पे उसके बेड पे, तो वो बीवी ने देख लिया था। तो उस पे जब वो रंगे हाथ पकड़े गए रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह घबरा गए, डर गए। रसूलुल्लाह ने उनसे कहा, हफ्सा थी मेरे ख्याल से, हफ्सा के बिस्तर पे कर रहे थे डिंगी डिंगी। हाँ, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं ये बात को जो है तू किसी और को और खास करके आयशा को मत बताना, मैं अब से मारिया किप्तिया को अपने ऊपर हराम करता हूँ। हालांकि वहां पे बीवी ने ये भी कहा कि तफसीर में ये चीज मिल जाएगी आपको, बीवी ये भी कहती है कि ये तो आपके ऊपर हलाल है, आप इसको हराम कैसे कर सकते हो। फिर भी रसूलुल्लाह ने उसको हराम किया, लेकिन अब चूंकि ये औरतों का मामला है, औरतों में थोड़ी सी जेलेसी भी होती है, और ये तो बड़ी बात थी कि उनके बिस्तर पे ही लेके चले गए रसूलुल्लाह मारिया किप्तिया को डिंगी डिंगी मुबारक करने के लिए। तो बिल आखिर हफ्सा ने आयशा को ये चीज बता दी, तो उस पे अल्लाह ने फिर आसमान से आयत नाजिल कर दी कि ए नबी आप उस चीज को अपने ऊपर हराम कैसे कर सकते हो जिसे अल्लाह ने आपके ऊपर हलाल किया है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि अल्लाह टोकता नहीं है, तो अल्लाह ने यहाँ पे टोका है, और वो इस वजह से टोका है क्योंकि उसमें भी रसूलुल्लाह का फायदा था, क्योंकि अगर अल्लाह उसको हराम कर देता स्लेव्स के साथ सेक्स करने को, तो एक तो दुनिया भर की जो ये बीमारी है इस्लाम में कि स्लेव्स के साथ आप सेक्स कर सकते हो ये खत्म हो जाती, और दूसरा रसूलुल्लाह को डिंगी डिंगी करने के लिए एक पार्टनर जो है वो कम हो जाती। तो यहाँ पे अल्लाह ने उनको डाटा तरीके से अपना ही नुकसान करके मतले, मैं मौजूद हूँ सातवें आसमान पर, मैं तो हर रात पहले आसमान पर आता भी हूँ, मैं मौजूद हूँ, टेंशन नहीं लेने का, तेरे लिए मैं आसमान से आयतें उतारूंगा। तो मेरे प्यारे नबी, मेरे महबूब, तू गमगीन ना हो, अपनी बीवियों की बातों का टेंशन ना ले, मैं मौजूद हूँ तेरी खुशी, तेरी डिजायर को पूरी करने के लिए। तो अल्लाह ने वहां आसमान से पटपट जो है आयत नाजिल कर दी। और एक हदीस में आता है अल्लाह के रसूल जब हिबा का मामला हुआ तो हजरत आयशा कहती है कि आपका रब जो है वो आपकी ख्वाहिशों को पूरी कर जल्दबाजी करता है। तो हजरत आयशा, अम्मी आयशा जो कि एक्स मुस्लिमों की सरदार है, यानी पहली लेडी है एक्स मुस्लिम, तो उन्होंने रसूलुल्लाह की इन बातों को बयान किया हुआ है जो कि ऑथेंटिक अहादीस का हिस्सा बनी है। तो फैसल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और जी जी साहिब, आपकी बात करके बहुत अच्छा लगा, कभी और जुड़ूंगा तो और बताऊंगा, ठीक है? अभी आप और दूसरे कॉलर को ले लीजिए। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, हमारे फैसल भाई के लिए आते साथ ही एक विकेट जो गिरी है, फैसल भाई के लिए एक एक गुलाब का फूल। मैं बहुत पहले तो विकेट गिराना चाह रहा था साहिल भाई, लेकिन मौका नहीं मिलता, आप लोगों का इतना ज्यादा क्रेज है ना कि हम लोगों को मौका नहीं मिलता है जल्दी आने को। आज कैसे मिल गया? आज मिल गया आपको। अच्छा साहिल भाई, एक सवाल था अमित भाई से, मैं कर सकता हूँ क्या? जल्दी से करिए सर, हमें मोमिन की तरफ भी। अमित भाई, मैं बोल रहा हूँ, आप क्या एक मुस्लिम है अमित भाई? नहीं भाई। अच्छा, समझ गया, ठीक है, और बताने की जरूरत नहीं। थैंक यू अमित भाई।
थैंक यू भाई। थैंक यू फैसल भाई, बड़े प्यारे भाई हमारे फैसल भाई। चलिए यार देखो, जो भी दिमाग थोड़ा सा लगाएगा ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये समझने के लिए। कोई आपको पूरा एकदम डिटेल में आपको पढ़ने के बाद ही एक्स मुस्लिम बनना है ये कोई जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट में क्या फ्लॉ है, कॉन्सेप्ट में क्या फ्लॉ है और कैरेक्टर वाइज क्या ऐसे शख्स को हम रसूल मान सकते हैं या रोल मॉडल मान सकते हैं, अगर आप इससे भी समझे तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा झोल और चक्कर क्या है। चलिए थैंक यू सो मच फैसल भाई। बहुत सारे गुलाब भी आ गए, बहुत अच्छा लगा हमारे फैसल भाई से बात करके। दुर्गा मलिक जी थैंक यू सो मच, बूम 123 थैंक यू सो मच, डेविल गॉड कह रहे अमित नहाना भाई तू नहाता क्यों नहीं है बता दा। एकदम हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब की भाषा में लिखा है बता दा। फुरूक जोयल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी नवाजिश का। उत्सव शर्मा कह रहे हैं भाई तो गुस्ताखी नहीं थंबनेल के लिए मरेगा कभी। शौकीन काफिर कह रहे हैं रेस्पेक्ट फॉर अमित डेडिकेशन फॉर दिस मिशन। अरे थैंक यू सो मच शौकीन काफिर भाई। गुरुप्रीत सिंह कह रहे हैं जाकिर मोहम्मद इज मेंशन इन भविष्य पुराना। वो तो हमने पोल यहाँ पे खोली थी कि जिसको रसूलुल्लाह से कंपेयर कर रहा है महामत जो लिखा हुआ है वो असल में असुर था। मंदीप सिंह कह रहे साहिल भाई मैं आपका आपको 2019 से सुन रहा हूँ, लव यू भाई फ्रॉम काली यूएसए, स्टे ब्लेस, बिग फैन ऑफ एडम टू। अरे थैंक यू सो मच। जस्टिस फॉर आयशा एंड सफिया कह रहे हैं साहिल भाई इलेक्शन रिजल्ट के दिन स्ट्रीम करके न्यूज चैनल पर कमेंट जिहाद करके और मोमिनों को बुलाकर सवाल पूछे क्योंकि बहुत लोग न्यूज चैनल पर लाइव होंगे। बिल्कुल सर करेंगे हम। इंडियन लॉरेंस कह रहे जर्मन शेपर्ड उर्फ ध्रुवद्दीन रठियुल्ला नाइस नेम जी बिल्कुल। एमबीएस कह रहे हैं कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे। अरे वाह क्या बात है। कमलेश राज पुरोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया। रेजिन ब्रेड कह रहे साहिल भाई प्लीज प्लीज ऐसे खतरनाक थंबनेल बनाएं आपके लाइव स्ट्रीम के लिए, मुसलटे गुस्सा करेंगे और वो हम चाहते हैं मुसलटे जितने चढ़ जाएंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन उसमें थंबनेल में क्या, उसमें तो जो अल्लाह ने बनाया है सुअर बनाया है मेरे ख्याल से वही उन्होंने बना के दिया है, कुछ ऐसी उसमें गुस्ताखी नहीं है। अंब की दुनिया कह रहे भाई याना भाभी से बात आगे बढ़ी, बिल्कुल नहीं बात ही नहीं होती है भाभी जी से। मनदीप सिंह जी थैंक यू सो मच। जीप से डिंगी डिंगी कह रहे हैं लड़की गर्लफ्रेंड तो मेरी भी नहीं मान रही पर अब एक्स मुस्लिम होके मानेगी, अगर फिर भी नहीं मानी तो योगी को पीएम बनाने की कोशिश करूंगा तब तो पक्का मानेगी। चलिए सर कोशिश करते रहिए। प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब्बू तो ऑलरेडी पधार चुके हैं, हमारी दिलों की धड़कन, हमारी शान, हमारी आन, हमारी बान, सब कुछ, दिलों का सुरूर, दिलों को ठंडक, तस्कीन हासिल होती है, सुकून हासिल होता है और मोमिनों की उलझन प्यारे से न्यारे से हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का फर्शी सलाम के साथ इस्तकबाल करते हैं। सलाम उल मुता प्यारे ब्रदर। धन्यवाद सर। सलाम अल मता, क्या हो रहा है मेरे भाई? देखिए अभी एक तो विकेट गिरने से स्टार्ट हुई है, मोमिन हजरत तभी थे नहीं लेकिन अभी कुछ मोमिन हजरत जुड़े हैं बहुत सारे, तो सिलसिला शुरू करते हैं डिस्कशन का। वाह 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 क्या बात है जी, क्या बात है सर। स्टार्ट करते हैं। अरे स्टार्ट करने से पहले ह्यूमैनिटी अबाउट ऑल कह रहे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन तफसीर तर्जुमा एंड हदीस। तफसीर इंटरप्रिटेशन को कहते, सॉरी इंटरप्रिटेशन नहीं कमेंट्री को कहते हैं, यानी कोई आयत अगर है और जाहिर सी बात है अल्लाह की जो कुरान है वो एम्बिगुअस है, मुश्किल चीज है, डिफिकल्ट चीज है समझना और आधी अधूरी बात अल्लाह कभी भी बताता है और उसमें कई सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं। एक इंसान सिर्फ अगर कुरान को पढ़ना शुरू करे तो मैं लिख के देख सकता हूँ गारंटी के साथ कि उसको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी, कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा कि अल्लाह इधर कर क्या रहा है। तो उसी को यानी इस मसले को सुलझाने के लिए फिर मार्केट में तफसीर लिखने वाले आए जिसको मुफस्सिर कहते हैं। मार्केट में तो ये इस्लामिक मार्केट में तफसीर लिखने वाले आए जिसको मुफस्सिर कह रहे हैं, तो इट्स कॉमेंट्री एक्चुअली, मतलब जो चीज नहीं है उधर डिटेल उसको वो हदीस की रोशनी में या अपनी समझ के हिसाब से या किसी सहाबा के कॉल से उन्होंने डिटेल में बताया, दैट इज तफसीर। तर्जुमा कहते हैं इसको, यानी व्हाट इज दैट वर्ड, आप
कन्वर्ट करते नहीं हिंदी ट्रांसलेशन सॉरी ट्रांसलेशन जो करते हैं आप उसको तर्जुमा कहते हैं। तो इट कैन बी इंग्लिश का तर्जुमा, इट कैन बी हिंदी का तर्जुमा, इट कैन बी उर्दू का तर्जुमा, तमिल बंगाली, तो ये ट्रांसलेशन को तर्जुमा कहते हैं। और हदीस का लफ्जी मायना जो है वो बातचीत होता है, लेकिन इस्लामिक सेंस में ये वो बात है जो रसूलुल्लाह ने कही है, और उसमें उस बात में या तो रसूलुल्लाह की बात भी हो सकती है या रसूलुल्लाह का अमल भी हो सकता है। तो इट कैन बी बोथ, या आपकी आपका कोई अमल कोई एक्शन या फिर कोई बात। हदीस में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बहुत सारी है, और वो ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक नहीं है, इस वजह से भी मार्केट में ये जो मुहद्दिस जिसे कहा जाता है वो आए और इन्होंने एक बाकायदा पूरी साइंस ऑफ सो कॉल्ड साइंस ऑफ हदीस बनाई, और उसको हर हदीसों को परख के उन्होंने फिर बाइफर्केशन किया, फिल्ट्रेशन किया कि भाई ये एकदम ज्यादा ऑथेंटिक है, कवि है, और उसको सही का नाम दे दिया। फिर उससे थोड़ी कम ऑथेंटिक यानी स्ट्रॉन्ग, उस पर उतनी वो नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो उसको हसन करार दे दिया, फिर ज़ईफ करार दे दिया, फिर मौजू। और इसमें अंदर ही फिर सही में भी बहुत सारी कैटेगरी है, हसन में ज़ईफ में भी बहुत सारी कैटेगरी है। तो ये हदीस है, ये मैं इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए लोग नए जुड़ते हैं उनको ये बेसिक चीजें पता नहीं होती है, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जब हम हदीस बताते हैं और उसके बाद उसको ये सही है ज़ईफ है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए, एटलीस्ट बुनियादी चीज समझ में आनी चाहिए। चलिए कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, काशिफ खान हमारे कॉलर हैं। काशिफ खान साहब आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है साहिल साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आई होप आप मुसलमान हैं अभी तक। हाँ मैं मुसलमान हूँ अभी तक, एंड मैं आपकी बहुत सारी स्ट्रीम्स को ज्वाइन भी किया था। तो मेरा एक आखिरी सवाल है, मैं भी काफी टाइम से अपने इस रिलीजन को डाउट कर रहा था, तो मेरा ये सवाल है कि क्या ये सही है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो अपने डेथ बेड पे मरते समय कह रहे थे उम्मती उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, ऐसा कुछ हुआ था क्या हिस्टोरिकली? अच्छा देखिए, आज हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम आज के टॉपिक पे ही बात करेंगे, अगर इस चीज का जवाब मिल जाए, और चूंकि आपको डाउट भी रहा है इस्लाम पे, तो क्या आप बाहर निकल जाएंगे? अगर ऐसा हुआ होगा तो नहीं निकलूंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ होगा प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने डेड बेड पे ये नहीं कहा होगा उम्मती 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 मेरी उम्मत तो नहीं निकलूंगा। ओके अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद ने प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने डेथ बेड पे क्या क्या कहा, आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास हजारों हदीसें ऐसी हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट बातें की हैं उसने डेथ बेड में, राइट? आप ये कहते हो कि उसने कहा मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, दूसरी जगह पे लिखा है उसने कहा कि पानी, उसने कहा कि मुझे तसला ला दो, तीसरी जगह पे कहा है उसने कहा कि मुझे बर्तन ला दो मैंने मुंह उतरा है, चौथी दफा एक और हदीस में लिखा हुआ है कि उसका मुंह आयशा के मुंह के अंदर था और चुम्मी चाटी कर रहे थे और फिर उसके बाद वो मर गया और आखिरी सांस ली। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये सारी सियासत्ता की हदीसें बता रहा हूँ मैं, इसमें से सियासत्ता से बाहर नहीं अभी निकला, मुझे ये बताओ तुम कि कौन सी वाली बात को तुम आखिरी हदीस मानोगे मोहम्मद की, पहले ये समझाओ मुझे। नहीं अगर जैसे उम्मती की बात है तो मैं वही कह रहा ना, जब उसके मुंह के अंदर मुंह है तो फिर उम्मती कैसे कहेगा, जब उसने तसला मारा मांगा मूता और मर गया, और आयशा कह रही है कि तुमने कब देखा कि उसने आखिरी वसीयत कोई दी, मेरे तो वो मेरे तो वो सीने और थोड़ी यानी चिन्ह सीने और चिन्ह के दरमियान उसका सर था, वो मूता और मर गया। एक जगह पे ये है, एक जगह पे ये है कि चुम्मी कर रहा था और मर गया, एक जगह लाइक किस वाली बात को तुम आखिरी बात मानोगे? आखिरी बात मोहम्मद की हर बात ही आखिरी है, वो आखिरी बात है क्या? ज्यादा ऑथेंटिक कौन सी है, मतलब आप सारी जो, सारी सियासत है ना, सियासत में ज्यादा ऑथेंटिक कौन सी होती है? इन तीनों में से कोई एक ज्यादा ऑथेंटिक होगी ना सर, ज्यादा सही हदीसों में से ज्यादा सही और कम सही क्या होता? आप मुझे दिखाएं कि किस हदीस में वो चुम्मा चाटी कर रहे थे हजरत आयशा के साथ। सर वो बाद में दिखाऊंगा, पहले मुझे बताएं कि ज्यादा और कम सही कैसे डिफाइन करेंगे आप? नहीं मैंने हदीस बोला, मैंने ये कहा कि सही कौन सी है। सो ज्यादा और सही हदीस कम हदीस, सर वंस अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, ज्यादा और कम सही
अगर दो सही हदीसें हैं उनमें ज्यादा और कम सही कैसे डिफाइन करेंगे? I'm not sure कि किस बेसिस पे, लेकिन sunnah.com पे ग्रेडिंग तो दी रहती है ना कि ये सही है, ये हसन है, ये ज़ईफ है। Oh my goodness. सर जी, ज्यादा और कम ये दो हदीसें हैं, दोनों सही हैं, ज्यादा सही कौन सी और कम सही कौन सी है कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं जी। आप मुझे दिखाएं कि दोनों कहां सही है। Oh my goodness. यार मैं, मेरा जो सिंपल सवाल है मुझे उसकी उसका जवाब दे दो। दो हदीसें मैं तुम्हें सही दिखाता हूँ, उसमें से क्या फैक्टर है जो तुम डिसाइड करोगे ये ज्यादा सही है कम सही है? नहीं, मैंने ज्यादा सही कम सही का नहीं सुना, मैंने सुना कि हदीस आप दिखा रहा हूँ, तुम क्या डिसाइड करोगे ये ज्यादा मतलब ऑथेंटिक है कौन नहीं। मुझे लगा कि एक सही हदीस होगी एक हसन हदीस होगी, उसलिए मैंने बोला। ओके, शुक्र है। तो अगर दोनों हदीसें सही हैं, एडम साहब आप इनको ये हदीसों का जो जो डिफरेंस ऑफ वर्ड्स है वो तो बताना ही, लेकिन मरते वक्त अल्लाह के रसूल ने उम्मती उम्मती कहा, ये तो कोई हदीस भी नहीं है। सही नहीं है, यस, कोई सही नहीं मिलती हमें। ये तो दिन पहले कह दिया हो तो मिलता है, तो ये अब इस्लाम से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट? नहीं, जैसे हमारे जो हाफिज साहब थे वो कह रहे थे, वो रो के कह रहे थे कि जैसे रेफरेंस का नहीं बोला, वो रो के कह रहे थे कि प्रॉफिट मोहम्मद अपने डेड बेड पे कह रहे थे उम्मती उम्मती उम्मती। मैं भी रो के कह रहा था, मैं भी रो के कह रहा था, 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन साबित कर दो, मैंने कहा था। नहीं, मेरे पास इसका अभी तो कोई हवाला नहीं है, मेरे हाफिज साहब ने कहा, मैं हाफिज साहब से बहुत लॉन्ग टाइम से पढ़ भी रहा था। ओके, आपके हाफिज साहब ने कुछ कहा था ना, मान ले के वो सही है, ठीक है, मान ले के वो सही है। ये देखें, दे से दैट प्रॉफिट मेड अ विल फॉर अली, बट आयशा कह रही है बट He called for a basin in which to urinate. लेकिन उसने एक बेसन मंगवाया जिसमें उसने मुंह था। Then he went fell asleep suddenly. और फिर वो गिर गया, ठंडे पड़ गए, ठंडे पड़ गया, and died. So how could he have willed? उसने कैसे कोई विल दी होगी? आखिरी लफ्ज मोहम्मद के थे, बेसन लाओ, मैंने मूतना है। वो मूता और मर गया। ये नहीं सही है, क्या करें इसका? अब एक आपके पास वो सही हदीस है, एक मेरे पास ये सही हदीस है, इन दोनों में से किसको मानोगे? दोनों एट अ टाइम तो सही नहीं हो सकते, बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। फिर ये सही है, इसको मान लो। और एडम साहब, इनके पास तो हदीस भी नहीं है, मौलवी का बयान है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर इसको मान लो ना। नहीं, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने डेड बेड पे कुछ मांगा फिर किया फिर इंतकाल हो गया? आयशा झूठी है, आयशा झूठी है। लो आपको मैं सही मुस्लिम की दी देता हूँ, ये नसाई की दी थी, अब मुस्लिम की देता हूँ, सही मुस्लिम। आई वॉज मैंशन, आयशा यजीद रिपोर्ट कर रहा है, आई वॉज मैंशन फ्रॉम आयशा दैट विल हैड बीन मेड इन फेवर ऑफ अली फॉर खलीफत, वेयर अपॉन आयशा सेड व्हेन डिड ही मेक अ विल, कब उसने विल कही थी? In his favor, उसकी favor में, I had been providing support to him, मैं उसे support दे रही थी, with my chest, मेरे सीने के ऊपर था उसका सर, he asked me for a tray, उसने मुझे एक tray मांगा, tray नहीं है, बेसन है, जिसके अंदर उसने मूता था, when he fell in my lap, and I did not realize that he breathed last, और मुझे पता भी नहीं लगा कब उसने आखिरी सांस ली, when did he make a will for Ali, उसने कब अली के लिए favor, will दी थी, मुस्लिम आ गया। तो ऐसी कोई हदीस एग्जिस्ट नहीं करती जहां प्रॉफिट मोहम्मद रो रहे थे और उन्होंने ऐसा सर सियासता से बाहर हो सकता है, मुस्तदर सही है इनके अंदर कोई हो या किसी और किताब के अंदर हो सकता हो, मैं इसको रिजेक्ट नहीं करता क्योंकि ये वाली बात मैंने भी बहुत सुनी है, लेकिन मुझे सियासता के अंदर एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं मिली है, आखिरी एज एन आखिरी आखिरी वर्ड हो सकता है किसी न किसी जगह पे, इसलिए मैंने आपसे हुज्जत ये बांधी नहीं है कि उसने कहा नहीं किया। मैंने कहा है अगर दो सही हदीसें आपको मिलती हैं और वो एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करती हैं तो उनमें से सही कौन सी है वो आप कैसे जज करोगे? That's my question to begin with. और मैंने भी आपको दो हदीसें दी कि उसकी आखिरी दम में आखिरी ख्वाहिश जो थी मोहम्मद की वो थी मूतर करना है, मुझे बेसन ला दो, आखिरी ख्वाहिश उसकी ये थी मूतर करना है, बेसन ला दो, मूता और मर गया, और आयशा को पता भी नहीं लगा कि वो मर गया। मैं काफी मतलब डिस्टर्ब हो गया हूँ सुन के। अः
ठीक है, मैं इसके ऊपर गो ऑन करता हूँ, अपने हाफिज साहब से पूछता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करूंगा। ओके जी सर भाई, आपने कुछ बात करनी है इनसे? आखिरी आखिरी। अरे यार मैं म्यूट पे बोल रहा था एडम साहब, सॉरी। अच्छा आप जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये मैसेज मेरा सारे मोमिनों के लिए, असल में आप लोग जो है अपने उलमा के, अपने मौलवियों के आप लोग गुलाम है। असल में आप अपने उलमा की इबादत करते हैं, वो जैसे जैसे झूठ सही मिलावट और कुछ भी करके बताते हैं आप लोग उसको फौरी तौर पे मान लेते हो। आप कभी जाके उसको चेक नहीं करते हो कि ये डंगर जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। आपका एक आलिम जो है वो दूसरे आलिम के ऊपर उंगली उठाता है, जैसे मिसाल के तौर पे तारिक जमील के ऊपर कई सारे उलमा जो है उंगली उठाते हैं कि ये फेकम फाक करता है, ये कुछ भी अपनी मर्जी से कह देता है। अगर तारिक जमील जिसके करोड़ों में फॉलोअर्स है वो अगर आपको धोखा दे सकता है तो दूसरे मौलवी सच ही बताते हैं, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, मैं जिनको सुनता था उनका नाम जावेद अहमद गांधी साहब है एंड ही इज अ गुड पर्सन। अगर आप नॉन मुस्लिम, उन्होंने कहा उम्मती उम्मती का सबसे बड़ा झूठा जावेद अहमद गांधी है। 80% चीजें वो झूठ बोलता है, 20% सच बोलता है, और सच के अंदर झूठ को मिलावट करके आप लोगों को एक खिचड़ी बना के देता है और आप लोग खा लेते हो। That is जावेद अहमद गांधी। आप उसकी कोई भी तकरीर पकड़ लो, 10 मिनट का सेगमेंट पकड़ लो, उस 10 मिनट सेगमेंट में 80% से झूठ बोला होगा, 20% सिर्फ सच होगा। और क्या मेरा सवाल है, क्या जावेद अहमद गांधी से आपने सुना है कि वो उसने कहा कि रसूलुल्लाह के आखिरी अल्फाज उम्मती 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 थे? मैंने किसी उनकी क्लिप में सुना है, आई एम नॉट कंफर्मिंग इट। देखिए मैं आपके सामने इस्लाम क्यूए का एक आर्टिकल लेके आया, मैंने इससे भी इसमें भी यही सवाल किया गया, व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट बिफोर ही बेड फेयरवेल टू दिस वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा इसमें अब वो मुतर किया और मर गए वो वाली हदीस इन्होंने नहीं लेके आई है। अच्छा क्या कहते हैं, प्रेज बी टू अल्लाह द लास्ट वर्ड ऑफ द प्रॉफिट बिफोर ही बेड फेयरवेल टू दिस वर्ल्ड वेयर ओ अल्लाह द हायर कंपेनियंस। ये देखिए ये उनके आखिरी अल्फाज थे। This is the title that Al-Bukhari gave to a chapter in Kitab al-Maghazi in his Sahih, the last word of the Prophet, where he quoted the hadith of Aisha who said, when the Prophet was healthy, he used to say, no soul of a Prophet is taken until he has been shown his place in paradise and then he is given the choice when death approached him. While his head was on my thigh, he became unconscious and then recovered consciousness. He then looked at the ceiling of the house and said, oh Allah, the highest companions. I said to myself, he is not going to choose to stay with us. Then I understood what he meant when he said that to us when he was healthy. The last words he spoke were, oh Allah with the highest companions. Ye Bukhari aur Muslim ki hadith hai. Uske baad there is a report narrated by Ahmad 1691 ki from the hadith of Abu Ubaidah who said the last words that the Prophet spoke were, expel the Jews of the Hijaz and Najran from the Arabian Peninsula. अगर मरते मरते भी अंदर आदमी के अंदर की जो नफरत है यहूदियों के लिए वो नहीं जा रही है, मरते मरते लास्ट चीज क्या बोली इस हदीस के मुताबिक के जो हिजाज और नजरान के जो यहूदी है इनको जजीरतुल अरब से बाहर निकाल फेंको। एंड नो दैट द मोस्ट एविल ऑफ पीपल आर दोस हु टुक द ग्रेव्स ऑफ द प्रॉफिट एज प्लेस ऑफ वर्शिप। दिस वॉज क्लास एज ऑथेंटिक बाई अल्बानी इन अ सहीह 1132। फिर उसके बाद अबू दाऊद की हदीस है, अली कहते हैं द लास्ट वर्ड दैट मैसेंजर ऑफ अल्लाह स्पोक वर द प्रेयर नमाज नमाज एंड फियर अल्लाह विद रिगार्ड टू दोज हुम योर राइट हैंड पोजेस। दिस वाज क्लास्ड एज ऑथेंटिक बाय अल अल्बानी इन सही अबू दाऊद एंड देयर आर अदर सिमिलर हदीस। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो चीजें रसूलुल्लाह ने बताई है उसमें इन्होंने कहीं भी उम्मती 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 का जिक्र मरते वक्त अल्लाह के रसूल से निकला हो ये कोई भी उन्होंने दलील पेश नहीं की। तो मैं अभी पहली बार सुन रहा हूं, मैं एक बार कंफर्म करना चाहता हूं अपने हाफिज साहब से उनका सोर्स क्या था, क्या रेफरेंस था, उसके बाद मैं जरूर से ज्वाइन करूंगा और आपसे भी सवाल पूछूंगा सर्टेन। वादा करो कि ये मालूम पड़ जाएगा और वो वर्ड नहीं था तो इधर आके इस्लाम छोड़ोगे, वादा करके जाओ। अगर वो ऐसा वर्ड नहीं हुआ देन
मैं वादा करता हूँ कि इस्लाम आके छोड़ दूंगा यहीं पर। चलिए भाई लोग, काशिफ खान साहब जो है जाके पता करेंगे, आई होप कल। अच्छा वो जो भी हाफिज साहब है आपके, वो आसपास ही रहते हैं? नहीं, वो तो थोड़ा दूर रहते हैं, मैं उनके घर पे जाके पढ़ता हूँ। ठीक है, मतलब ऐसी जगह पे जहां पे आप जा सकते हैं, राइट? जी ओके। तो कल 9 बजे एडम सीकर उर्दू चैनल पे स्ट्रीम रहेगी, हम आपका वहां पे इंतजार करेंगे। और इन केस अगर कल तक आप कंफर्म नहीं कर पाए अपने हाफिज जी से, तो ट्यूजडे वाली स्ट्रीम में हम आपका इंतजार करेंगे। ट्यूजडे तक तो टाइम काफी हो जाता है, उसके बाद हम देखेंगे कि आप अपने वादे को पूरा करते या नहीं करते। ठीक है प्यारे भाई? ओके श्योर सर। चलिए थैंक यू सो मच। ओके क्या लगता है एडम साहब, भाई आएंगे? सर अगर वो सच्चे दिल से ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल आएंगे, और अगर सिर्फ ये गेम ही है तो बस फिर ठीक है। नहीं असल में ये गेम, असल में एडम साहब अगर गेम, मतलब मैं अपनी राय बता रहा हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, अगर ये वाली गेम करना है तो ये तो अपने किसी मुफ्ती के चैनल पे भी जाके ये सवाल कर सकते हैं ना कि ऐसी कोई हदीस है क्या नहीं है। तो यहाँ पे सेंस नहीं बनता है। असल में बात ये सर, लास्ट वर्ड्स ऑफ मोहम्मद किसी माई के लाल को पता ही नहीं, हर बंदे ने अपनी मर्जी से एक हदीस अलग अलग किया है। और ये लास्ट वर्ड्स ऑफ मोहम्मद इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड हदीस, क्योंकि इतनी कंट्राडिक्टरी है जिसकी इंतहा कोई नहीं, और हर कोई हर एक ही सही है। आई एम सॉरी सहल भाई, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ी देर तक आपको रिजॉइन करता हूँ। जी जी एडम। अमित भाई आप आ जाइए ऊपर। मैं ऑलरेडी वेयर है अभी। ओके। लेकिन साहिल साहब एक बात यहाँ पूछनी है कि अगर रसूलुल्लाह के आखिरी वर्ड उम्मती उम्मती है, तो उससे इस्लाम में कैसे कोई बंदा रह सकता है? हाँ वो भी था, सवाल था मेरा भी। वजह क्या है? है भाई, भाई ने दिल पे लिया होगा, भाई ने उस बात को दिल पे ले लिया होगा, हो सकता है ये वजह बन जाए उनके इस कल से निकलने के लिए। सिल्विया जी कह रहे हैं वाइज मैन से योर लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम द बॉडी पार्ट वेयर योर फोकस इज एट द टाइम ऑफ डेथ, सो नो वंडर मोमो की जान उसके मूत्र के साथ निकली। एनोनिमस पीकेएस कह रहे हैं नमस्ते एडम साहिल एंड अमित भाई, मकसद नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, डब्ल्यू डी थैंक यू सो मच। इंटीग्रिटी गेम प्ले कह रहे हैं एज हिंदू आई जस्ट न्यू कल्चरली वी आर डिफरेंट एंड मुस्लिम इट बीफ दैट्स इट, थैंक्स फॉर ओपनिंग आवर आईज डू ऑल मुस्लिम नो अबाउट कुरान 3:28। देखिए बहुत से मुसलमानों को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है, मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मैं आज ही एक रील, मतलब रील मैं देख रहा था इंस्टा पे, और उसमें मुझे तारिक मसूद का एक रील आया, उसमें इंडिया से किसी भाई ने उससे सवाल किया, तारिक मसूद से, कि एक फीमेल ने सवाल किया कि अगर जो खालू है, खालू किस किस को समझ में आता है, खाला जो होती है यानी आपकी मासी, नहीं मौसी, मौसी या मासी, मौसी, हाँ, तो जो आपका मौसा है या मासा है, अगर आपकी मासी मर जाए, आपकी खाला अगर मर जाए, तो क्या हम अपने खालू से या मासा से शादी कर सकते हैं? ये सवाल डंगर तारिक मसूद को इंडिया से किसी लेडी ने पूछा, कोई मोमिना ने पूछा। तो डंगर तारिक मसूद कहता है कि इस्लाम की रूह से आप, अगर आपकी मासी मर जाती है या आपकी फुप्पू मर जाती है, या आपका अगर चाचा मर जाता है, या आपका मामा मर जाता है, तो अगर वो लड़की है तो अपने खालू से शादी कर सकती है, यानी अपने मासा से शादी कर सकती है, या मौसा जो भी बोलते हैं, मौसा से शादी कर सकती है, खालू से शादी कर सकती है, फूफा से शादी कर सकती है, और अगर वो लड़का है तो वो चाची से शादी कर सकता है अगर चाचा टपक जाए, और मोमानी से शादी कर सकता है अगर मामू टपक जाए। तो तो अब उसने तो सही बताया, असल में उसने इस्लाम में जो इजाजत है उसने वही बताया। अगर आप वो रील के कमेंट बॉक्स में चले जाओ, मोमिन हजरात भर भर के उसको गालियां दे रहे हैं,
कि ये पागल बना रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इस्लाम की इजाजत नहीं है, ये तारिक मसूद फेंकता है, ये देवबंदी है, तुम्हारा क्या है, ऐसा है वैसा है, उसको गालियां दे रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं। अब आप सोचो, इससे अंदाजा लग जाता है कि मोमिन हजरात को खुद इस्लाम में क्या क्या चीजें अलाउड है नहीं अलाउड है वो उनको नहीं पता है, क्योंकि आम तौर पे ये चीजें बताई नहीं जाती है। तो कुरान की भी बहुत सारी बातें जो है उनको नहीं पता है, क्योंकि वो कुरान को पढ़ते ही नहीं है। मुसलमानों की अक्सरियत, मैं अगर एक रफ परसेंटेज दूं आपको, तो 90% ऑफ मुस्लिम्स जो कि अरबी नहीं जानते, इन्होंने कुरान को तर्जुमे के साथ कभी पढ़ा ही नहीं है। बहुत से लोग जो पढ़ते भी है वो सिर्फ अरबी एक उसको सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं ताकि उससे सवाब मिले, माना कभी नहीं पढ़ते, तो उनको नहीं मालूम होता है। तो बहुत सारी चीजें उनको नहीं पता होती है। नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाते हैं, एमडी कामिल साहब। हेलो साहिल जी। जनाब मोमिन है आप? अरे जी भाई, क्या हो गया, गायब हो गया, ड्रॉप हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर। मोमिन है सुल्तान साहब? हाँ मोमिन है। थोड़ा थोड़ा स्लो आ रही है, स्लो, बहुत स्लो आ रही है। एक मिनट, अभी आई बराबर? हाँ अभी परफेक्ट है सर। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा प्यारे भाई, फर्स्ट टाइम आ रहे या पहले भी आ चुके हैं? पहले एक टाइम आया था, जरा सोचो तो सही, नाम से याद आया आपको, शायद दो हफ्ता हो गया, डेढ़ या दो हफ्ता हो गया। अच्छा पहले आ चुके हैं, हाँ मेरे को नाम से ऐसा लग रहा है। अरे वो जो कहानी बता रहा था, इतने में मेरी औरत आ गई तो मैं ड्रॉप हो गया था। अच्छा आपकी औरत आ गई थी? हाँ वो जो कहानी बता रहा था ना मैं, वही जफर। कौन सी कहानी बता रहे थे? जफर भाई का चैनल मिला, फिर आपका चैनल मिला। तो फिर मोमिन तो आपको बचे नहीं रहना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था। हाँ निकल गया, तो मैं ऐसे ही आया था आपकी स्ट्रीम पे ऐसे ही। ओके तो औरत को, औरत का इस्लाम नहीं छुड़ा पाए अपनी औरत का? औरत भाई बहुत डीट है, डीट है भाई, उसको उसको मैंने एक एक दलीलें दिखा दिया, हर चीज बताया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं उसके सामने ना स्टार्टिंग में स्ट्रीम सुनता था। हाँ तो सच वाला जी का उसमें एक डायलॉग आता था बार बार, कि अगर आपको किसी को निकालना हो तो खाली पिन मार के छोड़ दीजिए, कि यार ये ऐसा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है। बोले शक डाल के छोड़ दीजिए आप, उसके बाद खुद ब खुद निकल जाएगा। तो वो सब चीजें सुन के ना वो मन क्या बोलती कि हम लोग शक में नहीं आने वाले, हम लोग सब सुन चुके कि क्या चाल है तुम लोग की, बोले कुछ भी कर लो हम लोग मानेंगे नहीं। मैं असल में ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ी क्या कहते हैं उसको, दुख की बात है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा टपका कह रहा हूँ सॉरी तबका जो है, ये पूरी तरीके से दिमागी अपंग है, और वो इस स्टेज पे है कि हमको सुनना ही नहीं है, मानने की तो बात की बात है, हमको सुनना ही नहीं है, हमारे सामने ये बात ही मत करो। असल में भाई दीन छोड़ना ना, अपना एक धर्म छोड़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे छोड़ने में ना भाई हाँ कम से कम भाई 20-22 साल लगा छोड़ने में, क्योंकि मैं अच्छा। जब से शुरू में जब हाँ मैं लगभग समझो 70-80% छोड़ दिया था मैंने हाँ। फिर उसके बाद जब जफर हेरेटिक का चैनल देखा ना, उससे फिर करके आपका चैनल देखा, आपका इंटरव्यू देखा, आपका इंटरव्यू देख के मेरे को समझ में आ गया कि जो डाउट मेरे मन में आते थे वही हाँ। आपके इंटरव्यू में थे, तो मतलब फिर इसका मतलब मैं गलत नहीं हूँ। अच्छा क्योंकि अगर मेरा अकेले के मन में आते तो मैं गलत हो सकता था। हाँ सही। अच्छा एक बात, चूंकि फिर ये